नमस्कार, स्वागत करुछि ओडिया रोसेई की। आज मु आपन मन सहित शेयर करी मिक्स वेज ठीक रेस्टोरेंट स्टाइल भाई आपन को टेस्ट लगे। आ जदि आपण मैंने मोर वीडियो देखुछंती नुआ होइछंती सब्सक्राइब करिना ताले सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर भी करदे आप फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स मैंने ह्वाट्सअप कि फेसबुक जरिया शेयर भी करदे। चलते स्टार्ट करवा आज मिक्स वेज प्रस्तुत करने आवश्यक सामग्री नहीं दुटा आलु नहीं कैप्सिकम गोटे फुलकोबी किछि नै एठी मु नै गोटे छोट गाजर ये बीन्स अप नहीं धनिया पत्र अदा रसुण छेचिकी गोटे चामच नहीं गोटे प्याज अधा कप दही अधा कप क्षीर आठ लंका गुंड धनिया पाउडर गरम मसला लुण हलदी कसूरी मेथी जीरा गोटे कंचा लंका लवंग तीन टा नहीं गुजराती गोटे टमाटो आठ कि नहीं ग्रीन मटर ये मुझे रखीदे बारटा काजु आठ मुप कि नहीं पनीर आठ तेल ये कड़ाई में तीन चामच तेल पकईदे एठी आमे पनीर को जस्ट टिके गोल्डन ब्राउन हिला जाए फ्राई कर दबा देखो पनीर जस्ट टे गोल्डेन ब्राउन हो बाहर करें सेम कड़े ही आलु गाजर को फ्राए करद ये दुई मिनट कभर देद कभर बाहर कर फुलकोबी बीन्स आठ ग्रीन मटर नहीं आड करद आम एठ मीडियम फ्लेम रे तीन मिनट कभर देद कभर बाहर करें काट रखा कैप्सिकम आड करदे यहपरी आम गोटे मिनट चल ये गोटे मिनट हो जाए नेक्स्ट प्रोसेस को जी ये मुझे दुई चामच तेल पकईदे तेल को आम गरम होगा दबा तेल गरम हो जाए तेजपत्र कसूरी मेथी जीरा एबे हमें प्याज आड कर देले प्याज को जस्ट टिके गोल्डन ब्राउन हिला जाए भाजबा एठी मु कंचा लंका पकाई देली अदा रसुण छेचिक नहीं आड करदे आम यहपर चल अदा रसुण पचास मिल जावा पर्यंत ये आम ब्लेंडिंग जारे टमाटो गोटे आठ काजु भिजे की रखी इटे डाल चीनी गुजराती लवंग सब मिक्स कर ग्राइंडिंग करदे आम ये नहीं लंका गुंड धनिया पाउडर गरम मसला लुण हलदी सब आड करदे यहपर आम गोटे मिनट चलेबा
ଏବେ ଆମେ ଏଠି ଟମାଟୋ କାଜୁ ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଡାଳଚିନି ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଆମେ କଭର ଦେଇଦେବା 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଠିକ ସେ କୁକ୍ ହବାକୁ ମସଲା। ଏଠି ଆମେ ଏବେ କଭର ବାହାର କରିନେଲେ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ ହିଁ ଆପଣ ଏଠି ଦହି ଆଡ଼ କରିଦେବେ 1/2 କପ୍ ଦହି। ଏବେ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 1 କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ଆମେ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମରେ କଭର ଦେଇଦେବା ଠିକ ସେ କୁକ୍ ହବାକୁ। ଏଠି ଆମେ ଏବେ କଭର ବାହାର କରି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରିଥିବା ପନିର ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଏହିପରି ଆମେ 1 ମିନିଟ ଚଲେଇବା। ମୁଁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼ କରିଦେଲି। ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଠି 1/2 କପ୍ କ୍ଷୀର ନେଇଥିଲେ ଆଡ଼ କରିଦେବା। ଏଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳି ମିକ୍ସ ଭେଜ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ ହିଁ ଆସିବ। ଆଉ ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।